नमस्कार साथियों, अपनी यूनिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो अपन ने ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया था, 100 क्वेश्चन थे, उनको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। जहां कहीं पे भी आपका डाउट है उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, उसको सर्व करने की कोशिश करूंगा। आज का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, बाकी क्वेश्चन सभी सही है। जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पे किसी क्वेश्चन को लेके, वो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको, कौन सा कहां पे किस बुक में दिया हुआ है, कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को कई बार डाउट सेल्फ से भी लग जाता है कि यार ये डेट होगी, लेकिन वो डेट है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा कंसंट्रेट बना के रखें, थोड़ा सा मैं स्पीड से इसका डिस्कशन कराऊंगा, तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन है वो थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखें आप, ठीक है। धीरे धीरे करवाएंगे तो इसमें 2 घंटे लग जाएंगे, और अपन कोशिश करें इसको 50 से 55 मिनट में पूरे पेपर को कंप्लीट करने की। फटाफट आ जाओ और सेशन को सभी के साथ शेयर कर दो, ताकि किसी प्रकार का डाउट हो तो मैं क्लास के अंदर ही आपका सोल्व कर दूं। बाकी आप सब बताओ, देखें पेपर कैसा हुआ आपका, पेपर कैसा हुआ, लेवल क्या था आपका, एक बार बताओ देखें कमेंट करके, हैं क्या लेवल था, बताओ फटाफट बताओ। मैं सबसे पहले, अपन इकोनॉमी वाला पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 निकाल लो, वहां से अपन शुरू करते हैं एक एक करके। आ जाओ देखें फटाफट, आ जाओ फटाफट, इतना स्पीड से कैसे गया, इतना भी स्पीड से नहीं चलना है। यहां से आ जाओ, तुरंत प्रभाव से आ जाओ, सेशन को शेयर करो, बहुत अच्छा हुआ था, अच्छा हुआ सर, अच्छा था आज, इजी था, इजी नहीं था मोहम्मद अशरफ, इजी नहीं था। अब क्या है, आपने तैयारी बढ़िया कर ली ना सर, आपकी तबीयत खराब है, अब यार तबीयत पड़ी रहेगी, तबीयत का क्या करें, थोड़ी बहुत खांसी वासी आई तो आप थोड़ा सेंड कर लेना, बाकी अपन फटाफट करते हैं देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं अपन एक एक करके, आ जाओ तुरंत प्रभाव से। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का कितना प्रतिशत था, ये मैं पूरा का पूरा डाटा करवाया हुआ है, मैं एक एक क्वेश्चन का बताऊंगा। ये आपको क्लास में करवाया था, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर बार पूछता है, इकोनॉमिक सर्वे है उसमें राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा ये बताया था मैंने आपको। तो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, क्या करके आए आप इसमें, 3.96% बी होगा इसमें, ठीक है। वोट परसेंटेज ऑफ द स्टेट जीडीपी हैज बीन द फिस्कल डेफिसिट इन द ईयर 2021-22, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3.96% बी आ जाएगा इसमें, 21 में बी आ जाएगा। किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो आप एक बार लिख के बता दें, मैं सोल्व कर दूंगा उसको, ठीक है ना। चलो इसमें तो कोई डाउट वाला था ही नहीं। वर्ष 2022-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर तथा प्रचलित कीमतों पर क्रम से कितनी थी, मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि कृषि का, इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर और इनकी ग्रोथ सब याद करो, तो उनको कॉन्स्टेंट और करंट प्राइस दोनों पे याद करना है, क्योंकि यहाँ पे ये बात पूछता है इसमें, देखो स्थिर प्राइस पे और प्रचलित पे, तो वो भी क्रम से बताना आपको, क्रम से बताना, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर ओबीसी बात है, कम होगा तो कितना है, 86,134-152, नहीं ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं किसी हालत में, 86,134 तो स्थिर कीमतों पे, 156,149 है वो प्रचलित कीमतों पे, इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, बहुत बार अपन क्लास में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी पहले। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में सही कथन कौन से हैं, थोक देखो आपको मैंने आपको बताया था, एक तो होलसेल प्राइस और एक बताया था अपन आपको मैंने, एक तो WPI बताया था, एक CPI बताया था, CPI और WPI के अंदर अंतर भी बताया था, CPI को ज्यादा प्रीफरेंस क्यों देते हैं ये भी बताया था, जिसका प्रमुख कारण तो मैंने ये बताया था कि WPI के अंदर सर्विस सेक्टर शामिल नहीं किया जाता है, CPI के अंदर सेवाएं भी शामिल की जाती हैं, ठीक है। और इसका जो बेस ईयर होता है वो भी करंट लिया गया है, रियल में अपन को यदि पता करना है अपन को कि मुद्रा स्फीति कितनी है, इसके अंदर इन्फ्लेशन कितना है, वो मार्केट में जाके पता करेंगे ना, होलसेल में तो होलसेल लेवल पे देखा जाता है, तो इस आधार पे अपन ने देखा है कि इसके अंदर क्या होगा। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसे मासिक आधार पर जारी किया जाता है, बिल्कुल WPI को मासिक आधार पर जारी किया जाता है, इसमें 154 वस्तुएं शामिल की जाती है, और ये मैं जब पढ़ाया था उस समय भी आपको बताया था कि स्टार लगा के इसको देख लेना, 154 वस्तुएं शामिल होती है। वर्ष 2022 में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 385.45 रहा है, ये बात भी ठीक है, 385.85 रहा है, ये ठीक है। चौथा है कि सामान्य थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 2022 में 2021 की तुलना में 7.12% की वृद्धि हुई है,
7.12% की वृद्धि नहीं हुई है, 6.12% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे क्या होगा, 6.12%। और ये कहाँ पे दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सीधा सीधा डाटा दे रखा है। इकोनॉमिक सर्वे खोलोगे आप, बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बुक यदि कोई मेरे को पूछे तो इकोनॉमिक सर्वे है, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें चौथा स्टेटमेंट हो गया गलत, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना प्रारंभ में किन तीन फलों से शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान के अंदर संचालित की जा रही है, लेकिन जब इसको प्रारंभ किया गया था उस समय यह केवल तीन ही जिलों के अंदर प्रारंभ थी, कोटा भीलवाड़ा और उदयपुर। कोटा भीलवाड़ा और उदयपुर, कोटा भीलवाड़ा उदयपुर, यहां से शुरू किया था, उसके बाद संपूर्ण राजस्थान के अंदर शुरू कर दिया था। तो इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना प्रारंभ में किन तीन खंडों में शुरू हुई थी, वर्तमान की नहीं पूछ रहा, प्रारंभ में जब शुरू किया गया था उस समय कौन से खंडों में थी, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आ जाओ आगे, कृषि एवं संबंध क्षेत्र वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 की तुलना में स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर अनुमानित रही है। अब एक चीज आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो बोल रहा है स्थिर कीमतों पर। किस पे बोला है, स्थिर कीमतों पे, कॉन्स्टेंट प्राइस पे पूछ रहा है, यहाँ पे करंट प्राइस पे नहीं पूछ रहा है, कॉन्स्टेंट प्राइस पे। पढ़ते वक्त ये चीज का ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंट पूछ रहा है या करंट पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछा है, स्थिर कीमतों पे। 6.77, 13.84, 5.22, 7.92 क्या होगा 25 के अंदर, 25 के अंदर क्या हो जाएगा, 25 के अंदर हो जाएगा अपना 5.22 सी हो जाएगा। सी यहां पे करंट पूछ लेता क्या होता, करंट पूछ लेता 13.84 हो जाता। यदि करंट पूछता, करंट के ऊपर क्या हो जाता, 13.84। ये किस पे आ जाता, करंट पे, करंट प्राइस है, करंट प्राइस है उसके ऊपर 13.84 आ गया। और 5.82 22 है वो किस पे है, कॉन्स्टेंट प्राइस पे। बस दोनों का ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे आके अटक जाते हैं। अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, इस कॉन्स्टेंट और करंट को नहीं पढ़ते और डायरेक्ट जो भी आंकड़ा पढ़ा हुआ है उसके टिक लगा देते हैं, आके उसको सही मान लेते हैं। फिर यहाँ पे जो आंसर की सोल्व करता है उसको बोलते हैं आपने गलत कर दिया सर, गलत आंसर की पढ़ा रहे हो आप, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, आदिवासी मछुआरों के उत्थान की योजना आजीविका मॉडल संचालित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जीरो रेवेन्यू मॉडल पर आधारित है, ये जीरो रेवेन्यू मॉडल पर आधारित है, सरकार इससे कोई फायदा नहीं कमाने वाली है, ये केवल आदिवासियों को रोजगार देने के लिए, जो साउथ राजस्थान है वहां पे आदिवासियों को रोजगार देने के लिए ये आजीविका मॉडल है वो शुरू किया गया है। कहां कहां पे किया गया है, जयसमंद, माई बजाज सागर और पिछोला झील, नहीं यहाँ पे नहीं है, जयसमंद, उदयपुर, माई बजाज सागर और कडाना बैकवाटर, कडाना बैकवाटर है, ये तीन जगह शुरू किया गया है। इसमें हो जाएगा बी सीधा सीधा, और मैं इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं इतना गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया हुआ आपको कि मेरा गला बैठ गया अभी। बहुत दबाव डाल के पढ़ाया था ये मैंने आपको, ये वाली तो बहुत दबाव डाल के पढ़ाया था मैंने, पूरा का पूरा बताया था, मैं बोला कि ये पढ़ लेना पक्का पूछेगा, आजीविका मॉडल है ये पूछेगा, पक्का पूछेगा, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, पर उसके बाद आता है, देश के कुल पशुधन के भाग में राजस्थान के प्रतिशत भाग के संबंध में सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ये मैंने आपको जो इकोनॉमिक सर्वे था, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही बताया था कि ये आंकड़े इतने तो पढ़ के चले जाओ, और मैं सही बताता हूं, जानवरों से आरपीसी को पता नहीं क्या प्रेम है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है हर बार, इकोनॉमी ज्योग्राफी दोनों में एक एक क्वेश्चन पूछता है, तो जानवरों वाला तो क्वेश्चन पढ़ के ही चले जाना। पशुधन लाइव स्टॉक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरपीएससी के हिसाब से देखें तो अपन, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बकरी, ठीक है बकरी है, बकरी है वो 14% है, सही है। भैंस है वो 12.47%, ये भी ठीक है। गोवंश है, गोवंश कितनी है, 6.98, गोवंश है वो 6.98 नहीं है, गोवंश है 7.74%, गोवंश है वो 7.74%, लिख लो गोवंश 7.74% है लिख लो इसको। और भेड़ है वो, भेड़ कितनी पाई जाती है, भेड़ 10.64% है, 10.64% है। और ऊंट कितने हैं, ऊंट कितना प्रतिशत है, देश का ऊंट कितना प्रतिशत है, 84.43%, 84.43%, याद रख लेना। बकरी 14%, भैंस 12.47%, गोवंश है वो 6.98% और भेड़ है वो है, सॉरी 6.98 मैंने 7.74 और भेड़ है वो 10.64, ऊंट है 84.43%। इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ गलत दे रखा है, थर्ड और फोर्थ कहां पे, डी, इसमें डी आ जाएगा सीधे सीधा, 27 में डी आ जाएगा। कोई किसी प्रकार का डाउट है तो बताओ आप, 27 में किसी प्रकार का डाउट है तो बताओ आप, एक बार देखें, कोई डाउट नहीं है, चलो आगे, डाउट नहीं है तो आगे आ जाओ। रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क कहां पे है, रिको
एग्रो फूड पार्क एस्टेब्लिश बाय द रिको, रिको है वो एग्रो फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है, बोरानाडा कोटा गंगानगर अलवर, अलवर बोरानाडा जयपुर, जयपुर में तो नहीं किया है, सीधा ही काट दो इसमें, रानपुर सीधा ही काट दो इसमें, रानपुर अलवर इसको काट दो, इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसमें, 28 में आ जाएगा, सीधा सीधा राजस्थान का मैप बनाओ ऐसे, तो राजस्थान के मैप के ऊपर याद रख लो, जोधपुर इधर आ जाओ बाद में अपने, इधर आ गया क्या, जोधपुर, जोधपुर से आ जाओ सीधा सीधा कोटा, कोटा से कहां पे, अलवर, अलवर से गंगानगर, बस ये त्रिभुज बन जाएगा अंदर, ये याद रख लेना इस हिसाब से, सुमेलित नहीं है। राशि को स्थापना, मैंने बोला था कि जितनी भी संस्थाएं होंगे सबका पता होना चाहिए, वो चाहे आरएफसी हो, राशि को हो, रिको हो, राजकोन हो, इनके बारे में सबका पता होना चाहिए अपन को कि कौन सी रूडा है, उनका स्थापना कब हुई थी, ये पता होना चाहिए इन संस्थाओं का। राशि को स्थापना कब हुई थी, 1961 के अंदर, ठीक है। आरएफसी की स्थापना 1955 में, ठीक है। रिको की स्थापना 1984 में, गलत है भाई, 1980 में हुई थी, 1980 में हुई थी। और उद्यम प्रोत्साहन संस्था 1955 में, रिको तो बहुत फेमस संस्था है, सबको पता है 1980 में स्थापना हुई थी, तो इसमें तो सी गलत हो जाएगा सीधा सीधा। सुमेलित नहीं है पूछा है, नॉर्थवेस्ट पूछा है, नॉर्थवेस्ट में क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। बताओ किसी प्रकार का किसी को डाउट हो, किसी प्रकार का किसी को डाउट हो तो मेरे को बताओ, देखिए एक बार, कोई डाउट नहीं है, डाउट वाली बात ही नहीं है। बजट 2022-23 में कालीबाई भील मेदा छात्र स्कूटी योजना के तहत स्कूटी संख्या कितनी की गई है, मैं 5 दिन पहले आपको बजट पढ़ाया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उस वीडियो को, बहुत अच्छा आपने देखा भी, बहुत सारे लोगों ने था, और उसके अंदर ये मैं एक्सप्लेन करवाया था पूरा का पूरा। कालीबाई मेधावी भील स्कूटी वितरण योजना है, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी थी, इसमें इसमें कितनी कर दी थी, 30,000 कर दी थी, अपन ने देखा था 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी थी, तो इसमें आ जाएगा बी, सीधा सीधा बी आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं। उसके बाद आता है लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना का संबंध है, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना का संबंध किससे है, सिंपल सा ऊर्जा वाले टॉपिक में लिख रखा है, और कल मैं पढ़ा रहा था उस समय एक अपना स्टूडेंट था, वो बार बार बोल रहा था सर मैं ऊर्जा पढ़ा दो, ऊर्जा पढ़ा दो, ऊर्जा वाला मैं टॉपिक पढ़ा भी दूंगा, चिंता मत करो आप। और लिग्नाइट आधारित ऊर्जा है वो कहां है, गिरल बाड़मेर के अंदर, गिरल बाड़मेर के अंदर है लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है, वो गिरल बाड़मेर के अंदर है, इस चीज को ध्यान रखना है। 35,000 नहीं किए भाई, 30,000 की एलडी, 30,000 की है सर, आवाज वाला, सर आज वाला पेपर इजी था, और पेपर इजी नहीं था, आपने अब ढंग से पढ़ लिया है इसलिए इजी लग रहा था, इसलिए इजी लग रहा था आपको। राजविका की स्थापना कब की गई, इसका अध्यक्ष कौन है, राजविका जब पढ़ाया था, मैं सब की सब चीजें इकोनॉमिक सर्वे में आज भी बोल रहा हूं, जो मेरा पढ़ाया हुआ है 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के आएंगे, और 20 में से 18 क्वेश्चन यहां से पढ़ेंगे, 18 क्वेश्चन 20 में से 20 भी पढ़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा वो है ना वो बातें करता नहीं है भाई, आएगा तब बता दूंगा, और 7 तारीख को जब पेपर होगा शाम को एक्सप्लेन कराऊंगा, बोलूंगा कि देख यहाँ पे पढ़ाया था मैंने, देख लो जाके, देख लो जाके, बार बार बोलूंगा ये चीजें, ये मन नहीं बोलता, एक्सपीरियंस बोलता है। राजविका की स्थापना कब की गई थी, अक्टूबर 2010 में की गई थी, और मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, राजविका है अक्टूबर 2010 में की गई थी, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन सी योजनाएं संचालित करता है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार संचालित करने के लिए इसके द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है, वो मैंने बताई थी एक एक करके आपको। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना संबंधित कथन है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना है उससे संबंधित कौन सा कथन सही है, ये देखना है अपन को। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना है ये 5 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी, 5 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी, ये बात ठीक है, सही है, ए स्टेटमेंट सही है। 30% छात्राएं पात्र होंगी, इसके अंदर टोटल जो टोटल कैंडिडेट लिए जाएंगे उनमें से 30% छात्राएं गर्ल्स हैं वो लेना अनिवार्य है इसमें, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद आता है बजट 2023-24 में इसकी संख्या 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है, 200 से बढ़ाकर 300 नहीं किए 500 कर दिए, 200 से बढ़ाकर कितनी कर दिए 500, स्टेट नंबर 3 क्या हो गया गलत, फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया सही, तो इसमें क्या आ जाएगा ए, 33 में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा सीधा सीधा, 33 में ए आ जाएगा, 33 में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, बताओ किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ, 33 में ए आएगा, ठीक है ना, 33 में ए आएगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति से संबंधित नहीं है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति है उससे संबंधित नहीं है, देखो इसके अंदर है, इसका लक्ष्य 50,000 रोजगार सृजन करना है,
इट्स टारगेट इज टू क्रिएट 50,000 जॉब्स। ये थोड़ा सा क्या है कि जो ऑफलाइन वाला पेपर हुआ था उसके अंदर छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आई थी, 5,000 आया था इसमें, तो वो लोग अपना सुधार कर ले, उस हिसाब से देख लेना आप। 50,000 इसमें जॉब क्रिएट करना इसका लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद में आता है योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक रहेगी, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित की गई है, ये भी बात सही है। इसमें बोला नवंबर माह में हस्त शिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, नवंबर माह में हस्त शिल्प सप्ताह का आयोजन नहीं होगा, ये दिसंबर माह में होगा। ये कब होगा? दिसंबर माह में होगा, ये करेक्ट कर लो आप, दिसंबर माह में होगा, इसमें डी आ जाएगा। इसमें राजस्थान हस्त शिल्प नीति से संबंधित सही नहीं है, इसमें आ जाएगा डी, डी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। हैंडीक्राफ्ट वीक विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ द नवंबर, नवंबर की जगह क्या होगा यहाँ पे, दिसंबर होगा, इस चीज को ध्यान रखना आपको, ठीक है। मिशन निर्यातक बनो योजना के संबंध में सत्य है, ये तो मैं बार बार बोल चुका हूं कि निर्यात की जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम क्रम से और निर्यात से संबंधित 3-4 योजनाएं हैं वो पढ़ जाओ, पक्का पक्का एक क्वेश्चन आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक दे रखा आपके सीधा सीधा, ऐसा नहीं है मेरे को कोई अंदर कोई वो भगवान बैठा है वो बता रहे मेरे को, ये सीधे सीधे आपका भाई दो चीजें देख लो, सिलेबस का टॉपिक देख लो, ऑथेंटिक बुक देख लो, उसके साथ मैच कर रहा है वहां से क्वेश्चन पूछेगा पक्का, बस और कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है मेरे पास, मैं बता रहा हूँ यहाँ से पक्का आएगा, या आप सोच रहे हो कि सर के अंदर कोई देवता बढ़ गया है क्या, कैसे कर रहे हैं ऐसे कि पक्का आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है, आप भी पता कर सकते हो, सिलेबस का टॉपिक देखो, सिलेबस में से उस टॉपिक को देखो, ऑथेंटिक बुक के साथ मिला के वहां से पक्का क्वेश्चन आ ही जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। एग्जामिनर ऐसे ही थोड़ी पेपर बनाता है यार, सिलेबस पहले निकालता है, सिलेबस से देखता है पेपर, और कुछ नहीं, ये आपको ही पता चल जाएगा। मिशन निर्यातक बनो के संबंध में सत्य है, सत्य कौन सा कथन है, पहला स्टेटमेंट, ये योजना 29 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी, ठीक बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राज्य को कुल 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य मिला है, ये भी ठीक बात है। योजना का दूसरा चरण 5 दिसंबर 2022 को प्रारंभ हुआ था, ये भी सही बात है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसमें क्या बोला, इसने बोला है फर्स्ट में बोला है फर्स्ट सेकंड नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड बी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आ जाएगा बी, बी आ जाएगा इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। हाँ 5E वाला ऑप्शन होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, वो तो नहीं है। उसके बाद आता है राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चावल का संबंध किस जिले से है। मैं अब फिर बोल रहा हूं आपको, एक जिला एक उत्पाद में से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, पक्का 100% पूछेगा उसमें से क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद में देख लो आप। भरतपुर, भरतपुर में क्या उत्पादन किया जाता है, भरतपुर में शहद और खाद्य तेल का उत्पादन किया जाता है, शहद और खाद्य तेल का उत्पादन किया जाता है भरतपुर में, शहद और खाद्य तेल, क्या क्या इसके सामने जोड़े नहीं इन्होंने, अच्छा इसने बोला है चावल का संबंध किससे है, चावल का मैंने बोला था ना, चावल का संबंध बूंदी से है, बूंदी के अंदर गोल चावल है वो उत्पादन होता है, बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही अच्छा, मतलब गोल चावल है वो बहुत फेमस होता है, बूंदी का गोल चावल है वो बहुत फेमस है। भरतपुर का शहद और खाद्य तेल है, भीलवाड़ा का कपड़ा सबको पता है, और बीकानेर का क्या है, सिरेमिक, बीकानेर का सिरेमिक है, ये ध्यान रखना आपको। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, बूंदी का चावल फेमस है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संबंध में सत्य कथन है, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है उसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है, ये योजना वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई थी, स्टेटमेंट सही है। स्नातक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को जिला मुख्यालयों पर रहने हेतु 2,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, 10 माह तक दिए जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। अल्पसंख्यक वर्ग को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। वर्ष 2021-22 में कुल 1196 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 37 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 37 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सर क्वेश्चन 35 में बी ऑप्शन डी भी तो है ना, वो मैं बताया ना ऑफलाइन वालों के थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी वहां पे, ऑनलाइन में तो अपने करेक्शन करवा दिया था, अपने हाथ में था तो कोई दिक्कत नहीं थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के संबंध में संगत कथन है, संगत कथन देख रहा है, 2 अक्टूबर 2011 को लागू हुई थी, ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल है, 2 अक्टूबर 2011
11 को ही शुरू हुई थी ये, तो स्टेटमेंट एक सही है, ए सही है। वर्तमान में आवश्यक दवा सूची में 1594 दवाइयां, 928 सर्जिकल तथा 185 सूचर्स स्थापित है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये योजना राज्य के नागरिकों के लिए है। अब एक बात बताऊं, कोई यदि हाय तोबा मचाया गया इसके अंदर ऊपर नीचे कुछ लिखने की कोशिश की ना, बोले कि 1500 की जगह 1700 है, इसकी जगह ये है, लेकिन एक बात बताता हूं आपको, एक चीज ध्यान रखना है, एग्जाम में भी ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट पक्का सही है, अपन को पता है। स्टेटमेंट नंबर तीन क्या बोल रहा है कि ये योजना राज्य के नागरिकों के लिए, ऑब्वियस ही बात है यार, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो अपन को पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है तो स्टेट गवर्नमेंट के नागरिकों के लिए लागू होगी, नहीं तो बाद में यूपी बिहार हरियाणा पंजाब सब के सब आ जाएंगे यहाँ पे, ये निःशुल्क दवा योजना का लाभ उठाएंगे, तो राजस्थान कैसे अफोर्ड कर पाएगा? तो ये स्वाभाविक सी बात होती है, राजस्थान के नागरिकों के लिए होगी। तो एक और तीन सही होगा तो ऑल ऑफ द अबाउट अपने आप ही सही हो जाएगा। ये आंकड़ा यदि आपके याद नहीं भी है तो भी ये स्टेटमेंट आप देख के आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। राज्य सरकार द्वारा 28 जून 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिकों हेतु प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी क्या है, ये चेंज हो गया हालांकि, लेकिन इसने स्पेशल डेट दिए जून 28 2022 की डेट दिए, तो इस चीज को ध्यान रखना है। उस समय मजदूरी दर कितनी थी, किसके लिए? अकुशल श्रमिकों की बात कर रहा है। एक अकुशल है, एक अर्ध कुशल है, एक कुशल है, एक अति कुशल है, चार कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। इसमें अकुशल है उसके लिए पूछा है, अकुशल के लिए कितनी है, 259 रुपए, ये ध्यान रखना आपको, बी हो जाएगा इसमें, बी सीधा सीधा बी हो जाएगा। और राज्य की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला जो धारकों की संख्या है, ये तो मैं स्टार लगा के बताया था आपको, जब मैं पढ़ा रहा था इकोनॉमिक सर्वे उस समय स्टार लगा के बताया था, राज्य के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है, 40% वृद्धि हुई है उनमें, महिला जो धारकों की, जो विमेन लैंड होल्डर्स है उनकी संख्या है उसमें बहुत तेज गति से इजाफा हो रहा है, ठीक है। तभी कहते हैं ना कृषि का नारीकरण हो रहा है, एक तरह से कृषि का नारीकरण मतलब कृषि क्षेत्र है उसमें नारी महिलाओं की जो भूमिका है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे नहीं तेज गति से बढ़ रही है, बहुत तेज गति से, उनमें ओनरशिप भी महिलाओं के हाथ में आ रही है, और अन्य कार्य जो क्रियाकलाप है एग्रीकल्चर में उनमें भी महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसमें कितना है, 7.75 लाख, ये फैक्ट भी मैंने बताया था और मैं आज भी बोल रहा हूँ, जहां पे स्टार लगा लगा के जो फैक्ट बताए थे वो फैक्ट फिर पढ़ लेना, मौका है अभी भी आपके पास में, अभी भी आपके पास में अवसर है कि वो आप स्टार लगा लगा के पढ़ लो आप। निम्न में से किन फसलों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये भी स्टार, इतना स्टार लगवाया था इसके तो पूछो ही मत आप, बाजरा सरसों पोषक अनाज कुल तिलहन और गवार, ए हो जाएगा सीधा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी लिस्ट बना के बताई थी मैंने आपको कि पूछेगा पक्का ये यहां से। कृषि बजट 2022-23 की थीम क्या थी, हरियाणा राजस्थान, हरित राजस्थान, समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान, तो इसमें आ जाएगा सी, ये उसके कृषि बजट के ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ था। और कृषि बजट में जब ये कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था, करंट अफेयर पढ़ा रहा था, करंट के अंदर बताया था इसका, कृषि बजट के बारे में पहली बार पेश किया गया राजस्थान में। राजस्थान में कौन से स्थल वेटलैंड स्थल, रामसर स्थल है, कौन से रामसर स्थल है, इसके अंदर क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील, नहीं रणथंभौर नहीं है कट कर दो, सांभर झील और पचभद्रा ये नहीं है कट कर दो, सांभर झील और मुकुंद्रा हिल ये भी नहीं है, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डी आ जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट थी इंग्लिश वाले के अंदर, थोड़ा सा यहाँ की हुई थी, लेकिन इतना फालतू का नाटकबाजी करना मत, हिंदी वाले के अंदर सही लिखा हुआ था, हिंदी वाले के अंदर जाके पढ़ोगे तो आराम से समझ जाओगे, फालतू का आप बोलो कि नहीं हमें तो हिंदी समझ में नहीं आती, ऐसा कोई अंग्रेज यहाँ पे नहीं है कि ये सांभर जिलों और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ किसी समझ में नहीं आई, सभी के समझ में आता है, तो थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी गलती हो उस चीज को आप भी समझ सकते हो, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई यहाँ पे, ये ऊपर वाला ऊपर नीचे कोई क्वेश्चन से उठा लिया था इसने, तो इन चीजों के लिए मत करना बिल्कुल भी, करते भी नहीं हो, मुझे पता है नहीं करता हूं, लेकिन एक आधा जना आ जाता है उसको क्या होता है कि कुछ ही नहीं करना, गोच्छा करना होता है कि नहीं आपने ये क्यों कर दिया, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ सही गलती निकालते हो उसके लिए हमें भी खुशी होती है कि ठीक है आप मतलब कमियां निकाल रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ रहे हो तभी कमियां निकाल पाते हो, लेकिन बिना मतलब ऐसे कोई दुख ही नहीं है, उसका करने का कोई दुख नहीं है। वन रिपोर्ट 2022-21 के अनुसार राजस्थान के अधिकतम वनावरण प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा है, तो इसके अंदर तो सीधा सीधा ही पढ़ा है 44 के अंदर, 44 के अंदर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, उदयपुर, उदयपुर सीधा सीधा आ जाएगा, बी आ जाएगा। और वन रिपोर्ट आपको मेरी बताई हुई है, वन रिपोर्ट दोबारा और बता दूंगा, एक बार तो यूट्यूब के ऊपर वन रिपोर्ट है वो स्पेशल है, आपको बताई हुई है उस चीज को तो आप रटी लेना। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, एरिडो सोल्स, एंटी सोल्स, वर्टी सोल्स, एल्पी सोल्स, मेरे को पता है इसके अंदर मेरे स्टूडेंट है वो सब के सब कंफ्यूज हुए हैं, पक्का कंफ्यूज हुए, और मैं आपका डाउट समझ सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है आरपीएससी के अंदर, पहले ये आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके अंदर क्या माना था आरपीएससी ने, आरपीएससी ने माना था सी, सी माना था,
अब मैं बताऊं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको ये लगता है कि सर ए और बी भी तो हो सकता है, क्योंकि आपने बोला था एरिडोसोल है वो सुदूर पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। सही बात है, ये शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। नागौर चूरू जोधपुर ना होके यहाँ पे जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर होना था, और यहाँ पे एंटीसोल के अंदर नागौर चूरू जोधपुर होना था। लेकिन एक बात बताता हूँ, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के अलावा बहुत सारे कारक है नहीं, क्योंकि जो बालू का स्तूप है सेंडून से जैसलमेर में पाए जाते हैं वो शेखावाटी में भी पाए जाते हैं। जो तापांतर चूरू के अंदर अधिक पाया जाता है वो जैसलमेर में भी अधिक पाया जाता है, तो कंडीशन है वो लगभग मोर और लेस सेम सी पाई जाती है, तो इसमें अंतर करना बहुत बड़ी एक मुश्किल होती है। हालांकि ये बात सच है कि राजस्थान का जो सुदूर पश्चिम शुष्क मरुस्थल है वहां पे एरिडोसोल मृदा पाई जाती है, एरिड वाली शुष्क, और एंटीसोल है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल पे पाया जाता है। लेकिन वर्टिसोल का ध्यान रखना है, वर्टिसोल मृदा है वो कहां पाई जाती है, काली मृदा, कपासी मर्दा भी बोलते हैं जिसको, जो बेसाल्टिक लावा से जिसका निर्माण हुआ, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ चार जिले हैं, आड़ोती का पठार वहां पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसमें सीधा सीधा। समझ गए होंगे, कंफ्यूज हुआ था आपको, कोई बात नहीं। उसके बाद पूछ रहा है राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही अवरोही क्रम क्या है, राजस्थान के अंदर जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा वो बताओ। देखिए यहां पे तो इसमें क्या आ जाएगा, बनास लूनी चंबल और माई, ये क्रम हो जाएगा ए। बार बार बताया इसमें कोई ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ए होगा इसमें। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये राजस्थान का ये पढ़ा, ये मैं पढ़ा, यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, BWHW पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, BSHW पाई जाती है। यहाँ कौन सी पाई जाती है, CWG पाई जाती है। और यहाँ क्या पाई जाती है, साउथ के अंदर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो राजस्थान का साउथ वाला रीजन है वहां पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बार बार बताया है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। क्या बोल रहा है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट रीजन, साउथर्न मोस्ट रीजन, बी आ जाएगा इसमें, सोचने की जरूरत नहीं है, बी आ जाएगा 47 में बी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है, जाजम प्रिंट बाड़मेर की थोड़ी यार, जाजम प्रिंट कहां की है, चित्तौड़गढ़ की है, अकोला चित्तौड़गढ़ की, जाजम प्रिंट है वो चित्तौड़गढ़ की है, बाड़मेर की नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 48 में बी। राजस्थान के पेट्रोलियम उत्पादक विंध्यन बेसिन में कौन से शामिल होते हैं, पेट्रोलियम उत्पादन के अपन ने चार बेसिन देखे थे और चार बेसिन के अंदर 14 जिले देखे थे अपन ने, चार बेसिन कौन से देखे थे, विंध्यन बेसिन देखा था, बाड़मेर सांचौर बेसिन देखा था, इसके अलावा अपन ने देखा था शेल बेसिन जिसको जैसलमेर बेसिन भी बोलते हैं, और एक देखा था अपन ने बीकानेर नागौर बेसिन, अलग अलग जिले देखे थे इसमें। विंध्यन बेसिन है उसमें कोटा बूंदी बारा झालावाड़ प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्र को देखा था अपन ने, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कोटा बूंदी उत्पादन विंध्यन कौन शामिल नहीं है, कोटा बूंदी तो है, बारा झालावाड़ बी है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर राजसमंद नहीं है, इसमें डी आ जाएगा सीधे सीधे, इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अच्छा, इसको ऊपर वाले को इधर कर दिया क्या, ऊपर नीचे, इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें कनेक्शन है भाई, इंग्लिश वाला थोड़ा सा आप देख लेना, हिंदी वाला पढ़ लेना, इसमें डी आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 49 में डी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आगे आता है, एस्बेस्टोस यूरेनियम बेरिलियम के सर्वाधिक भंडार व उत्पादक वाला जिला कौन सा है, सिंपल सा पड़ा है इसमें, तो 50 के अंदर तो सीधा सीधा पड़ा है, 50 के अंदर सी आ जाएगा, उदयपुर के अंदर की, ये कहां आ जाएगा, उदयपुर डी ए सी, उदयपुर कहां दे रखा है, सी में दे रखा है, सी आ जाएगा इसमें उदयपुर। राजसमंद झील के संबंध में निम्न खतरों पर विचार कीजिए, इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है, इस झील है इसके अंदर गोमती नदी आकर गिरती है, ठीक बात है। राजसमंद झील की उत्तरी पाल पर राज सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है, ये भी बात ठीक है, तो इसमें सी आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इसके क्या है करेक्ट है एकदम से। सर क्वेश्चन वन में भी कुछ मिस्टेक थी, कौन बोल रहा है, यस तापरिया वन नंबर क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। 20 से अपन ने स्टार्ट किया था, 1 से 20 है और अंत में करेंगे, उस समय देखेंगे अपन क्या मिस्टेक थी। कौन सा सुमेलित नहीं है, पशु भैंस दे रखा है, भैंस नाली की नस्ल थोड़ी है यार, भैंस नाली है वो भेड़ की नस्ल है, नाली भेड़ की नस्ल है, बकरी जमुनापारी ठीक है, गाय है वो थारपारकर है, भेड़ है वो सोनारी है, ये तो सब के सब मैं अभी करवाया था, मैराथन क्लास ली थी मैंने ज्योग्राफी की, बस उसके अंदर पूरा करवाया था, इसमें ए आ जाएगा सिंपल सा।
कथन दे रखा है, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। बात तो ठीक है भाई, इसने स्टेटमेंट किया टीक ट्रीज आर फाउंड इन द अब्यूटेंस इन द साउदर्न रीजन ऑफ द राजस्थान, स्टेटमेंट सही है। आगे बोला इसने कथन दे दिया उसने, उसके बाद बी दे रहा है कारण है, सागवान अधिक सर्दी में पाला सहन कर पाता है, साउथ राजस्थान के अंदर अधिक सर्दी थोड़ी पड़ती है, नए पाला पड़ता है, पाला और सर्दी नॉर्थ राजस्थान के अंदर पड़ती है, ये कारण है वो सीधा सीधा गलत हो गया। तो इसमें क्या स्टेटमेंट एक सही है, बी गलत है, कंप्लीटली स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें क्या हो गया, कथन ए सही व बी गलत, डी आ जाएगा इसमें, इस पर में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद आ जाऊं 2001-2011 के बीच निम्न में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, सबसे कम रही है वो रही है गंगानगर झुंझुनू पाली की, गंगानगर झुंझुनू पाली की रही है, और जनसंख्या वाला टॉपिक मैं पहले भी आपको करवाया था, गंगानगर झुंझुनू पाली है वो हो जाएगा इसमें सीधा सीधा। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है, अवरोही आपको समझ में नहीं आए तो ये देख लें, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब गिरता हुआ क्रम, गिरता हुआ क्रम कौन सा है, सबसे अधिक वाला कौन सा है, सबसे अधिक वाला बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़, बी आ जाएगा इसमें, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ आ जाएगा 55 में। अब देखते हैं 56 नंबर का, 56 नंबर का क्या कहता है कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी, इसको आरसीडीएफ मत समझ लेना, भूलकर भी आरसीडीएफ मत समझ लेना, 1977 मत ठोक देना आप इसमें, 1978 ठोकाओगे आप, वो नहीं होगा, 1975 होगा इसमें, डी होगा इसमें। ये किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आरएसडीडीसी की, आरएसडीडीसी की, आरएसडीडीसी की, राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, आरसीडीएफ अलग है, आरसीडीएफ अलग है, आरसीडीएफ की स्थापना 1977 में हुई थी, आरसीडीएफ की स्थापना 1977 में हुई थी, इन दोनों में डिफरेंस है देख लेना आप, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, 1975 होगा, डी होगा इसमें, डी डी। निम्न से कौन सा युगम गलत है, जमवारामगढ़ अलवर, जमवारामगढ़ अलवर में थोड़ी है, जमवारामगढ़ तो अपने इसमें है जयपुर में है, ठीक है, बाणगंगा नदी उसके ऊपर बना हुआ है, बाणगंगा पे, बाणगंगा, बाणगंगा पे बना हुआ है, ए हो गया इसमें, 57 में क्या हो गया, ए हो गया सीधा सीधा। उसके बाद में 58 राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर को गलत युगम को पहचानिए, जयपुर चित्तल दोस्ता खरगोश चूरू उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी चूरू में थोड़ी है, उड़न गिलहरी चूरू में थोड़ी, उड़न गिलहरी तो प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ का सीता माता अभियान है वो उड़न गिलहरियों के लिए क्या है, फेमस है, चीतल की मातृभूमि है, वहां पे लव कुश, लव और कुश दो झरने भी है वहां पे, वहां से जाखम नदी उसका उद्गम होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जाखम बांध बनाया हुआ है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बनाया हुआ है। तो इसमें क्या जाएगा, उड़न गिलहरी चूरू में नहीं होगा, चूरू के अंदर काला हिरण फेमस है, ब्लैक बक के, काला हिरण फेमस है, काला हिरण ब्लैक बक, ब्लैक बक फेमस है यहाँ का, ब्लैक बक फेमस है, ये ध्यान रखना है। सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, सावन भादो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान इज सावन भादो इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड, कौन से में, कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर, कोटा के अंदर, बी। दो दिन पहले आपको मैराथन करवाया था, उस मैराथन के अंदर ये करवाया था, मैराथन के अंदर करवाया था, बताओ करवाया कि नहीं आपको, करवाया तो था, हाँ तो भरनी पड़ेगी आपको, सलमान खान जैसा प्रिया। रिको द्वारा कृषि एवं प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था, कहां पे किया गया था, 33 हेक्टर में, तिवरी, तिवरी जोधपुर के अंदर, तिवरी जोधपुर के अंदर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय रिको, रिको के द्वारा 33 हेक्टर के अंदर है, तिवरी जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देता है, एक दो जना मेरे को आकर बोला था कि सर इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, इस क्वेश्चन को देखना सही है गलत है, कोई सही गलत नहीं है, वीडियो को देता है, वीडियो मत समझ देना बस, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देता है, वीडियो को नहीं देता है, ये ध्यान रख लेना। इसमें डी आएगा, इसमें डी आएगा, 61 में, 61 में डी आएगा, 61 में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 61 में डी आएगा। पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी जी किस भाषा में लिखी गई है, डिंगल में लिखी गई है, डिंगल भाषा में, पिंगल और डिंगल दो भाषाएं है ना, पिंगल पूर्वी राजस्थान के अंदर भाषा थी और डिंगल पश्चिम राजस्थान में थी, और पृथ्वीराज राठौड़ है उसके द्वारा जो वेली किशन रुक्मणी लिखी गई है वो डिंगल भाषा के अंदर लिखी हुई है, ये ध्यान रखना, बी आ जाएगा इसमें। निम्न में से किस शासक को अबुल फजल तथा निजामुद्दीन की प्रशंसा करते हुए असमत वाला राजा कहा था, किसको असमत वाला राजा कहा था भाई, मालदेव को, मालदेव को कहा गया था, ये याद रखना है, मालदेव को, ठीक है।
राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? सबसे पहले कृषक आंदोलन कहां पे? बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ के अंदर शुरू किया गया था और वो सबसे लंबा किसान आंदोलन भी चला था। तो बिजोलिया है वो मेवाड़ रियासत है, उसका ए श्रेणी का ठिकाना था। तो ये कहां पे शुरू किया गया था? मेवाड़ के अंदर। सी आ जाएगा इसमें। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन शुरू किया गया था? निम्न में क्या आ गया? अरे यार ये पंगा कहां गया बीच में, रुको एक बार करते हैं सही। निम्न में से किस क्षेत्र को राजस्थान की एक मिनट है, हाँ आंदोलन प्रारंभ किया था? मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर बिजोलिया वो ए श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ के अंदर बिजोलिया ए श्रेणी का ठिकाना था, तो इस चीज को ध्यान रखना आपको। हाँ मेवाड़ के अंदर ही प्रारंभ हुआ था सबसे पहले मेवाड़ के अंदर ही प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आता है निम्न में से किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? वन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ द राजस्थान पेंटिंग? पेंटिंग का किसको माना जाता है इसमें? मेवाड़। पोथी ग्रंथों की स्थापना, पोथी ग्रंथों के ऊपर यहाँ पे चित्रित किया गया था। श्रावण प्रतिकर्मण सत्र सुनी, यहाँ का जो प्रथम चित्र है वो श्रावण प्रतिकर्मण चित्र सुनी है, वो इसका प्रथम वो था। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और संविधान में यह व्यवस्था कहां दी गई? 165, 163, 166, 168, 163 के अंदर दी गई है। आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट याद ही करने पड़ेंगे, मैं पॉलिटी वाले मैराथन लूंगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो एक साथ करवा दूंगा, वो एक साथ आप आर्टिकल रख लेना, 3-4 आर्टिकल तो आपको पूछेंगे। राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? टू होम डज नॉट द गवर्नर नोट एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस? लोकायुक्त, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा का अध्यक्ष और राज्य सूचना आयुक्त। विधानसभा का अध्यक्ष होगा सी। कोई कंफ्यूजन मत होना और फालतू के अंदर ये कमेंटबाजी मत करना इसके अंदर, कैसर विधानसभा के अध्यक्ष को, विधानसभा का अध्यक्ष है वो शपथ किसी से नहीं लेता है, विधानसभा का अध्यक्ष है वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है, उसके बाद में वो अलग से कोई किसी प्रकार की शपथ नहीं लेता है, ये ध्यान रख लेना। मैं जब पॉलिटी पढ़ाई उस समय बताया था विधानसभा का अध्यक्ष वो अलग से सेपरेटली कोई पद की जो शपथ है वो नहीं लेता है, वो सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है बस। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? कलराज मिश्र हैं वो राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? 44 नंबर के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं वो 44 नंबर के राज्यपाल हैं 44 नंबर के बी आ जाएगा इसमें, नॉर्मल फैक्ट था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री को कर्तव्यों की परिभाषा निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य आर्टिकल 67 है, उसके अंदर दिया गया है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं प्रशासन से संबंधित तथा अन्य, वो राज्यपाल को उसके बारे में सूचित करेगा। राज्यपाल को सूचित करेगा मुख्यमंत्री का, ये क्या होता है? कर्तव्य होता है। तो ये किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 167 के अंदर दे रखा है। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और ने कब इस्तीफा दिया था? शिवचरण माथुर के बारे में बताया था मैंने, डी के मारा जाते मानसिंह, और मानसिंह है वो अपनी जो वो थी गाड़ी थी उस गाड़ी से उनके हेलीकॉप्टर के टक्कर मारी, उसके बाद में उनके स्टेज के टक्कर मारी थी और उसके बाद उनको गोली निकाल दी थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद जाटों को राजी करने के लिए उन्होंने क्या किया था? बोले कि जाट नाराज हो जाएंगे और जाट नाराज हो जाएंगे तो अपने कांग्रेस गवर्नमेंट वापस रिपीट नहीं होगी, नहीं रिपीट होगी तो उन्होंने क्या किया? शिवचरण माथुर को तुरंत बोला कि तुरंत इस्तीफा दो। इस्तीफा देके एक था उसको 16 दिन का उसको मौका मिल गया था मुख्यमंत्री बनने का, उनके बारे में पढ़ेंगे अभी नहीं बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन के आगे आएगा तो बाद में अभी रिपीट कर दूंगा, तो बाद में वहां पे आपका क्या सस्पेंस हो जाएगा। उनको बाद में मुख्यमंत्री बनाया 16 दिन के लिए, और 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया तो उसके बाद में वापिस वो चुनाव हुए थे और चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी है वो जीत गई थी। कौन था बताओ? सलाम अलैकुम, प्रोटेम स्पीकर को ओथ नहीं करवाता है क्या? प्रोटेम स्पीकर एमएलए को ओथ करवाता है, एमएलए को ओथ जो है वो प्रोटेम स्पीकर कराता है, लेकिन स्पीकर को अलग से कोई ओथ नहीं करवाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। प्लीज कंफ्यूजन क्लियर करें। यस तापरिया बताओ, यस तापरिया बिल्कुल, यस तापरिया सही बात है कि एमएलए होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? सबसे सीनियर जो व्यक्ति होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, उसको सिर्फ इतना ही काम होता है कि सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, उसके बाद उसका कोई काम धंधा नहीं होता है, उसको बाद में फ्री छोड़ देते हैं। स्टोरी बताई थी मैंने, स्टोरी से याद हो गया होगा वो। बताओ सर एक बार डिंगल तो पूछे भाषा
अच्छा, ये बात बता रहे हो। हाँ, एक क्वेश्चन किसने किया, कमेंट किया, किसी ने क्वेश्चन में कमेंट किया, किया 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 कमेंट किया भाई। चलो हाँ, आप बता रहे हो कि सर एमएलए को बाद में प्रोटेम स्पीकर इस्तीफा वो शपथ दिलाता है, बात ठीक है। जो एमएलए होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, मेनली शपथ कौन दिलाता है उसको, राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल है, उसकी खड़े होने की इतनी हिम्मत नहीं होती है, उतना बुढ़ापे में मनाते हैं यार उसको। तो राज्यपाल क्या कहता है, राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर बोल देता है कि यार शपथ तू दिला दे, मेरी तरफ से मैं तेरे को नियुक्त करता हूँ। राज्यपाल अपनी तरफ से उसको नियुक्त कर देता है कि प्रोटेम स्पीकर ये आपको शपथ दिलाएगा, लेकिन ऑफिशियल रूप से राज्यपाल को दिलानी होती है वो शपथ। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन मत पालना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये किस आर्टिकल है उसके अंदर उल्लेख किया गया है। ये सीधा सीधा आर्टिकल 164 के अंदर उल्लेख किया गया, आर्टिकल 164 के अंदर उल्लेख किया गया है। इसमें ए आ जाएगा सीधा सिंपल सा। किस राज्य में विधान परिषद का गठन एवं समाप्त करने का अधिकार संसद को दिया गया, आर्टिकल 169 के अंदर, आर्टिकल 169 के अंदर दिया गया है, बी आ जाएगा इसमें। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सचिन जी दिंगल मारवाड़ी भाषा की साहित्य होता है, अम्बेडकर अल्पसंख्यक भी है। अरे नहीं है, अरे नहीं है, सुरेश पांजो नहीं है, पढ़ना आप जाके एक बार। इनमें से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों पदों पर रहे हैं, तीनों पदों पे कौन रहे हैं, पतराम मदेरणा, निरंजन नाथ आचार्य, पूनम चंद विष्णोई और शांतिलाल चपड़ोत, सी आए। इसमें पूनम चंद विष्णोई हो जाएगा, 73 में क्या आ जाएगा, पूनम चंद विष्णोई हो जाएगा, सी। सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे, अरे नहीं दूंगा यार, नहीं दूंगा। फिर पूछोगे क्यों नहीं दोगे, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 2023 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव है वो प्रस्तुत हुआ था और उस पर चर्चा हुई थी, कितनी बार, पांच बार हुआ था, पांच बार हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ पहले का। उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ठीक बात है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। The oath of the office is administered to him by the governor of the state, ये भी ठीक बात है। The submit his resignation letter to the Chief Justice of India, Chief Justice of India को नहीं देता भाई ये देता है राष्ट्रपति को देता है। एक और दो स्टेटमेंट सही हो जाएगा 75 में क्या हो जाएगा, एक और दो स्टेटमेंट सही, ए आ जाएगा, और तीसरा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा, क्यों, किसको देता है रेजिग्नेशन, वो रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को देता है, न कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे आ जाओ, आगे आता है, निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री दोनों पदों पर रहे हैं, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी रहा है और केंद्रीय मंत्री पद पे भी रहा है, कौन है, सीआर चौधरी, नागौर के हैं सीआर चौधरी जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और जो लोक सेवा आयोग आरपीएससी उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, काफी करप्शन हुआ था उस समय। राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो वित्त आयोग का अध्यक्ष रहा है, अध्यक्ष बना है राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो 16 दिन के लिए बनाया था, मैंने बताया था कौन, हीरालाल देवपुरा, कौन था, हीरालाल देवपुरा, ए हो जाएगा सीधा सीधा। मुख्यमंत्रियों की तो इतनी शानदार स्टोरी बताई है, कोई गलती नहीं होगा। कब कराए आपको, आपको पॉलिटी वाली मैराथन कब करवानी है बताओ, आप कमेंट करके बताओ, कल करवाए या परसों करवाए, पॉलिटी वाली मैराथन कल करवानी है या परसों करवानी है बताओ, आप कमेंट करके बताओ, बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ बताएंगे आपको। ठीक है, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ध्यान दे लेना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात कर रहे हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयोग की बात करने नहीं कर रहा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भारत का चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग कौन करता है, चुनाव आयोग करता है या राज्य निर्वाचन आयोग करता है, कौन करता है, भारत का चुनाव आयोग, सी आ जाएगा इसमें। कब करवानी बताओ, कल, कल ही करवा दीजिए, नेकी और पूछ पूछ कर, अरे नेकी भी पूछ पूछ के करवानी पड़ती है, पता नहीं बोल में अकाल सूखा छोड़ दिया, अरे अकाल सूखा छोड़ कैसे दिया भरतपुरी, सचिन वर्मा पिछली बार पेपर दिए थे उनमें क्वेश्चन पूछे थे। अब यार सभी के सभी टॉपिक तो कवर नहीं हो सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है मोहम्मद अशरफ, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है भाई, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा किया जाता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है, कौन पद से हटा सकता है भाई, इसमें कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हटा सकता है, इसमें डी आ जाएगा इसमें सिंपल सा। राज्य महिला आयोग का राजस्थान में गठन कब किया गया था, राज्य महिला आयोग है उसका राजस्थान के अंदर गठन कब किया गया था, 19 जून 1999 में, 19 जून कब किया था,
नहीं 15 मई 1999 15 मई 1999 15 मई 1999 को किया गया था 15 मई 1999 को। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? एस टी उज्जवल, के राधा कृष्णन, मंगत राय श्रीनारायण। के राधा कृष्णन, के राधा कृष्णन होगा। सुबह से शाम तक करवा देंगे। मेरी ये खांसी सही हो जाए, मेरी यदि खांसी सही होगी कल, तबीयत एकदम पूरी कंप्लीट हो गई सही, तो कल करवा देंगे, और कल यदि सही नहीं होगी तो परसों तो सही कर ही देंगे तबीयत को। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई थी, तब राज्यपाल कौन थे? मुख्यमंत्री तो पूछते हैं, सबको बता आपको मुख्यमंत्री का तो मुझे पता है कि आप सब बता दोगे एक झटके के अंदर, लेकिन राज्यपाल का बताते हैं। हु वाज द गवर्नर व्हेन द डिविजनल सिस्टम वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन द राजस्थान? 82 में क्या होगा तब? राज्यपाल कौन था? जगदीश शरण वर्मा थे उस समय कौन थे? जगदीश शरण वर्मा थे। निम्न से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी हुई है? इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात थी? इसमें 242 बी दे रखा है, 243 बी दे रखा है, मेरे को कई पूछ रहे थे आके सर इसमें ए होगा बी होगा, एक बार चेक करना आप इसको, और 83 नंबर को चेक करना, 83 नंबर कहीं चेक नहीं करना, इसमें बी होगा सीधा सीधा, 243 बी होगा, देख लेना आप जाके। इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? सचिन वर्मा सर आज भी कुछ गलत पढ़ने से हमारे गलत हो गए, कोई ना सही हो जाएगा, अब सुधार कर लेना, जो जो गलतियां करी एक बार इसका सेल्फ एनालिसिस करना बढ़िया तरीके से। अरे 83 में ए कैसे होगा यार, ए नहीं होगा, बी होगा, बी होगा बी। क्लास तो लगवा देंगे क्लास की टेंशन ना लो आप। आगे आता है देखो, राजस्थान में किसी नगर पालिका का सीमा क्षेत्र कौन अधिसूचित कर सकता है? अब इन चीजों का देखो, राष्ट्रपति तो नहीं कर सकता, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन नहीं, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति तो नहीं कर सकता। राष्ट्रपति यदि नगर पालिकाओं की सीमा का निर्धारण करने लग गया ना, तो बाद में तो पोस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। जिला कलेक्टर ये करता नहीं, जिला कलेक्टर को ये पावर नहीं देते हैं, ठीक है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल नहीं, विधानमंडल का ये काम नहीं होता है, राज्यपाल करता है। इसमें सी 84 में क्या जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट अबाउट द सोशल ऑडिटी इज फाल्स? फाल्स पूछ रहा है, इसमें सबको कंफ्यूजन हुआ है पक्का, सबको कंफ्यूजन हुआ है। देखो बात बताता हूँ, शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जितने भी ये आरटीआई एक्ट है या सोशल ऑडिटिंग है या आपका सोशल मीडिया है या आपका मतलब इस तरह की जितनी भी ये एक्टिविटीज होती हैं, नागरिकों का सशक्तिकरण है, ये सब के सब शासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। शासन में पारदर्शिता लाना, ये भी ठीक बात है। जन भागीदारी बढ़ाना, पब्लिक पार्टिसिपेशन, सोशल ऑडिटिंग करते हैं उसमें क्या है, समाज के लोगों को शामिल करते हैं, देखते हैं समाज के ऊपर किसी भी योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज देते हैं, तो जनभागीदारी तो बढ़ती है। आम जन को निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना, आम जन को निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना इसका प्रॉपर काम नहीं होता है, हालांकि ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सही के नजदीक है, लेकिन इनकी तुलना करें ना चारों स्टेटमेंट की, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है, सी होता है इसमें गलत। और सिर्फ मैंने मेरे मन से नहीं बनाया, आरपीएससी में पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन, और वहां से आरपीएससी ने भी इसमें सी माना था इसमें, ठीक है ना, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया, रामबाग प्लेस को किया गया है। राजस्थान में हीरोज ऑन द रोड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? राजस्थान के अंदर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया भाई? हीरोज ऑन द रोड अवार्ड है वो किया गया सियाराम चौधरी को। ये सियाराम चौधरी क्या है? ड्राइवर है, बस ड्राइवर, ये बस ड्राइवर है, और इन्होंने जब सेवानिवृत्त हुए थे तो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक भी दुर्घटना नहीं की थी इन्होंने, सिंगल दुर्घटना नहीं की थी, इसलिए इनको क्या किया था? हीरोज ऑन द रोड अवार्ड दिया गया था सियाराम चौधरी को, ये देख लेना भाई, सिंपल सा है। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जा रही है? कहां पे की जा रही है? कोटा में, ये कोटा में की जा रही है, ठीक है। उसके बाद आता है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत कितनी आयु सीमा के कामगार को लाभान्वित होंगे? 18 से 40, इसमें 18 से 40 होंगे, ये मोदी जी आके इसकी घोषणा करके गए थे। विश्वकर्मा कामगार योजना कब करके गए थे, कमेंट करके बताओ दिखाए एक बार।
सितंबर 2023 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत कहां से की गई थी? ये कर्णोता नर्सरी बस्सी से की गई थी, कर्णोता नर्सरी बस्सी से की गई थी। इसमें ए होगा कर्णोता नर्सरी बस्सी है, लालचंद कटारिया जी उस समय कृषि मंत्री थे, उनके द्वारा ये की गई थी वहां से। 13 सितंबर 2023 को साहित्य अकादमी ने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया है? पीयूष बेबले, जगदीश शर्मा, अद्वैत जिंदल और शिला असोपा, किसको दिया गया बताओ? ये दिया तन्ना और चुलबुली कहानियों के लिए, अद्वैत जिंदल को दिया गया। अद्वैत जिंदल है उसको किसके लिए दिया गया है? तन्ना और चुलबुली कहानियों के लिए प्रदान किया गया। 2021-22 अगस्त 2023 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का नौवा भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कहां किया था बताओ? उदयपुर में किया गया था, अभी उदयपुर के अंदर करवाया गया था। थोड़ा लग गया, स्पीड से चल रहा हूं क्या? स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा यार, अब टाइम ही इतना कम है, इसमें स्पीड से नहीं चलेंगे कैसे काम चलेगा। सड़सठ में नेशनल स्कूल गेम्स 2023 में राजस्थान को मिली खेलों की जिम्मेदारी में ऐसे सत्य है, जोधपुर में टेनिस ठीक है, बाड़मेर में बास्केटबॉल ठीक है, जयपुर में कबड्डी, श्री गंगानगर में वेटलिफ्टिंग। तो इसमें क्या होगा भाई, गंगानगर के अंदर क्या होगा? गंगानगर के अंदर जूडो होगा, गंगानगर के अंदर जूडो कराटा खेला जाएगा। और वेटलिफ्टिंग कहां का है? वेटलिफ्टिंग बीकानेर का। और श्री गंगानगर में क्या है? जूडो कराटे है, वो खेले जाते हैं। 1 अगस्त 2023 को प्रदेश का नया 11वां नगर निगम किस शहर को बनाया गया है? अलवर को बनाया गया है सी, और ये अपन करंट अफेयर की क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर ये डिस्कस भी किया गया था कि ये किसको बनाया गया है, ये सी, अलवर को बनाया गया है। राजस्थान में किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग का गठन कब किया गया था? कर्ज राहत आयोग है उसका गठन राजस्थान के अंदर ये कब किया गया था? ये किया गया था 2 अगस्त 2023 को, 2 अगस्त 2023 को किया गया था। ये तो बहुत ही मतलब एक खतरनाक वाली डेट पूछी थी, लेकिन कई बार ये है ऐसे फैक्ट भी अपन को आने चाहिए, पता होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना हीरालाल समरिया, हाल ही में चर्चा में रहे हैं, उन्हें किस पद की नियुक्ति किया गया है? हीरालाल समरिया भरतपुर के रहने वाले हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, और उनको किस पद के लिए इनको नियुक्त किया गया है? हीरालाल समरिया को मुख्य सूचना आयुक्त है, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसके रूप में नियुक्त किया गया है, इसमें डी आ जाएगा। हीरालाल समरिया सीनियर आईएएस ऑफिसर है, भरतपुर के रहने वाले हैं, और इनको मुख्य सूचना आयुक्त है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो नियुक्त किया है। देश की प्रथम सीएनजी आधारित टॉय ट्रेन का संचालन कहां किया गया है? टॉय ट्रेन है उसका कहां पे किया गया है इसका संचालन? ये गुलाब बाग महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन के नाम से संचालित की गई है। गुलाब बाग कहां है? उदयपुर के अंदर। गुलाब बाग कहां है? उदयपुर के अंदर ये टॉय ट्रेन शुरू की गई है, इस चीज को ध्यान रखना है। उदयपुर के अंदर इस टॉय ट्रेन को शुरू किया गया है, गुलाब बाग है उसके अंदर इसको शुरू किया है, इस चीज को ध्यान रखना है। टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? टोबैको फ्री यूथ डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन है वो कहां से शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है कहां से? दोसा से शुरू किया गया है, ए हो जाएगा 98 में ए से। उसके बाद आता है मिशन कोटड़ा कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया है? ये मिशन कोटड़ा कार्यक्रम है वो उदयपुर से शुरू किया गया है। ये जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा थे वहां पे, उनके द्वारा ये मिशन कोटड़ा अभियान है वो शुरू किया गया था। और 21 अगस्त 2023 को सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार पद किसे प्रदान किया गया था? अब इसमें आप सबको है कंफ्यूजन, और वो कंफ्यूजन क्या है? आप बोल रहे हो मोहन सिंह यादव होगा इसमें, मोहन सिंह यादव नहीं होगा लड्डी, मोहन सिंह यादव है, उसको अक्टूबर में प्रदान किया गया था। और इसने बोला है कब है? अगस्त का पूछा है, अगस्त का मतलब क्या हुआ? अगस्त 2023 में मिलेगा, इसमें 2022 का पुरस्कार मिलेगा, 2022 का 2023 में मिलेगा, और 2023 वाला है उसकी घोषणा की थी अक्टूबर के अंदर। वो जो मोहन सिंह यादव है, उनको 2023-24 का मिला है, और इनको मिला 2022 का। तो कौन है? मधुआचार्य। इसमें क्या आ जाएगा? मधुआचार्य। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है, उसको ऑप्शन ही नहीं दे रखा, कहीं बहुत ज्यादा 30 मार्क आए उसमें कमियां निकाल रहे थे, लेकिन ऐसी कमी नहीं थी, ठीक है ना। अब अपने शुरू जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन बचे हुए वो कर लेते हैं फटाफट, आ जाओ फटाफट। देखो अब के दिक्कत आपको बताओ, पूरा स्थलों के संबंध में सही युग्म चुनिए, सही युग्म चुनना है इसके अंदर, पूरा स्थल है उनके बारे में सही युग्म चुनना है, तो देखते हैं अपने सही युग्म चुनना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सही युग के अंदर बागोर का है, बागोर चित्तौड़गढ़ में थोड़ी, भीलवाड़ा में बागोर, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दो नंबर का स्टेटमेंट गलत हो गया, इसको गलत कर दो, इसको गलत कर दो, तीन नंबर सही, सी आ जाएगा, बागोर भीलवाड़ा पता चल गया ना, तो अपना पूरा क्वेश्चन है सही हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल नहीं है,
मध्य पाषाण से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है? बालाथल उदयपुर नहीं है। बालाथल उदयपुर है वो मध्य पाषाण काल है, उससे संबंधित नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में से किस शासक द्वारा करवाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है इन शासकों के अंदर, तो इनके जो कल्चरल अचीवमेंट है ना वो पढ़ के चले जाओ, उससे काम आपका हो जाएगा। बाकी इनकी युद्ध वगैरह प्रक्रिया है उनके अंदर घोषणा नहीं है, कितनी रानी थी, कौन सी रानी थी, कौन सी रानी की वजह से युद्ध हुआ था, इस तरह की ये फालतू चीजें वो पढ़ोगे तो फालतू में अपना झूठा टाइम खराब करने का सौदा है और कुछ नहीं है। आपको तो इतना पढ़ना है उनके कल्चरल अचीवमेंट है वो देख लेना। ये सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ये सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पूरा पुनराधिकार राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? किस शासक ने दिया था? शेरशाह सूरी ने दिया था। शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है ना मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के बादशाह को देता था, वो जोधपुर के साथ युद्ध किया था और वो बहुत ही बचता ही बच्चा था, वो बहुत ही बारीक बच्चा था, नहीं वहां पे मन मरा जाता था तो बाद में दिल्ली के बादशाह को देता। तो कहा जाता है मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब जोधपुर के मुट्ठी भर बाजरों है बी के लिए युद्ध किया था और उस युद्ध में हार जाता, वो थोड़ा सा बच्चा था, यदि हार जाता तो कितना बड़ा दिल्ली की बादशाह को देता वो एक तरह से शेरशाह सूरी। तो इसमें क्या जाएगा? सी आ जाएगा। जालौर दुर्ग में कलर देव के साथ किस सेनापति ने विश्वासघात किया था? दैया बिका ने, दैया बिका है, दैया राजपूत, दैया बिका या दैया राजपूत कहा जाता है इसको, इसने विश्वासघात किया था। बाद में इसकी लुगाई से मरवा दिया था, इसकी वाइफ थी उसने मार दिया था, बोला इतना कायर आदमी विश्वासघात करने वाला व्यक्ति है उसके साथ मैं उसको मेरे हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, उसने तलवार से काट दिया उसको। 1857 के विप्लव के दौरान तांता ने राजपूताना के किस शहर पर अधिकार नहीं किया था? ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन है थोड़ी बहुत कॉमन सेंस नाम की चिड़िया है उसको उठाना चाहिए थोड़ा बहुत है। किस पे नहीं? जैसलमेर, जैसलमेर तांता टोपी कहाँ पहुंचेगा यार? जैसलमेर के लिए बोलते हैं कि खाट के तो टांगे होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब काठ की टांगे होनी चाहिए, लकड़ी की टांगे होनी चाहिए, इस टिल्लों के अंदर थोड़ी जाया जाता है लोगों से। तो इसमें क्या जाएगा? जैसलमेर सीधा पड़ा है, ये अलाइदा ही पड़ा था अलग ही। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की थी? बहुत बार जब मैं बताया था ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला मैंने ही करवाया था और उस समय मैंने बोला था कि स्वामी गोपाल दास, चूरू के अंदर स्वामी गोपाल दास थे जो कि आर्य समाज है उससे संबंधित थे, 1907 के अंदर उन्होंने सर्वहितकारिणी सभा है उसकी स्थापना की थी। दी आ जाएगा। सर्वहितकारिणी की स्थापना किसने की थी? गोपाल दास ने करवाई थी। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था, कब दिया था? नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन है उसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको बोले थे कि उसके बारे में बोला था कि अब इसको हेलो क्लास ले रहा हूं ना। उसके बाद आता आगे 1921 में सुअर विरोधी किसान आंदोलन किस राज्य में चला था? सुअर क्या? जंगली सुअर है, उनको मारने के लिए किसानों ने बोला इनको मार दो, ये हमारे पूरी की पूरी फसल है उसको बर्बाद कर रहे हैं, ये अलवर के अंदर। और वो जो राजा है ना वो उसको मारता नहीं था, राजा इसलिए नहीं मारता था कि उनको सुअरों का शिकार करना पसंद था, तो वो उनको पाले रखता था और बाद में शिकार करने के लिए जाता था जंगली सुअरों का, और वो जंगली सुअर है वो कृषि है उसके ऊपर बहुत ही मतलब एक तरह से उसको बर्बाद कर दिया था। तो ये अलवर के अंदर चला था, इसमें बी आ जाएगा। ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करवाया था। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन चलाया था? बालिका वध, सती प्रथा, जयराम पैसा एक्ट के तहत उन्होंने विरोध चलाया था। क्या कि जयराम पैसा एक्ट है उसके तहत मीणा समाज है उसके जो बालक है महिलाएं हैं उन सभी को और पुरुषों को सभी को जाके थाने के अंदर हाजिरी देनी पड़ती थी शाम को, बोले कि आज हमने कोई अपराध नहीं किया है, किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। फिर महिला समाज है उसके अंदर जागरूकता आई, शिक्षा का प्रभाव बढ़ा, कुछ लोग आगे बढ़े, उन्होंने बताया था ये तो हमारा सरासर अपमान है भाई, हम रोज जाके हाजिरी क्यों दे, पांच लोगों ने कोई अपराध कर लिया उसके लिए हम तो सभी के सभी वहां पर जाना पड़ता है, वो तो किसी समाज के अपराधी हो सकते हैं। तो उनमें जब जागरूकता आई तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया। और बाद में मुनि मगन सागर है उसके नेतृत्व के अंदर निम्का थाना में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी और वहां से उनमें और जागरूकता उत्पन्न हुई, बाद में अंत में सरकार को इसको समाप्त करना पड़ा था जरायम पैसा एक्ट को। तस्सीमो कांड की घटना कब हुई थी? इस तस्सीमो कांड के बारे में किसी ने बोला था कि सर इसकी एग्जैक्ट डेट क्या होगी, इसकी एग्जैक्ट डेट क्या होगी भाई? 11 नंबर का क्वेश्चन है उसमें। देखो मैं बात बताता हूँ, इसमें थोड़ी सी डेट को लेकर कंफ्यूजन है। तस्सीमो कांड धौलपुर से संबंधित है ये, पहली बात तो कहां से है? धौलपुर से संबंधित। प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए थे धौलपुर से संबंधित है, 1946 होगा इसमें, क्या होगा? 1946 होगा। और 1946 है उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 11 अप्रैल 1946 होगा, एक बात। दूसरी बात, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है उसके अंदर ये डेट दे रखी है 12 नवंबर 1946।
तो आप बोलोगे सर हम कौन सी याद करें, दोनों याद करो, दोनों याद करो, कोई इलाज नहीं है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर तो 12 नवंबर 1946 दे रखी है, बाकी की जितने भी ऑथेंटिक बुक है उसमें 11 अप्रैल 1946 दे रखी है, आपको दोनों याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी डेट दे रखी है 11 अप्रैल सी करना है और 12 नवंबर है वो यहाँ पे ऑप्शन में आया नहीं, तो दोनों आपस में टकराएंगे नहीं, ठीक है। बताओ किसी प्रकार का कंफ्यूजन सर, एग्जाम कैंसिल को लेकर फेक न्यूज है या रियलिटी? फेक न्यूज है, कोई रियलिटी नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्रता पूर्व महिला आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी? नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा है उसके द्वारा ये स्थापना की गई थी, नारायणी देवी वर्मा के द्वारा। चित्रांकन की उनियार शैली को किस चित्र शैली के शैली के रूप में माना जाता है? चित्र शैली की चार शैलियां पाई जाती है चित्रकला की, एक मेवाड़ शैली, एक मारवाड़ शैली, एक ढूंढाड़ शैली और एक कोटाबूंदी शैली, और इनकी भी उप शैलियां अलग अलग पाई जाती है। जैसे जयपुर शैली है उसकी अलवर शैली है, सेकावटी शैली है, उनियार शैली है, ढूंढाड़ शैली है, अलग ढूंढाड़ शैली की अलग अलग शैलियां पाई जाती है। तो ये किसकी है? ढूंढाड़ की है, बी हो जाएगा इसमें सीधा सीधा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी कब आमंत्रित किया गया था? कौन सी सन में आमंत्रित किया था? अब ये आंकड़ा पूछा है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा 1585 आ जाएगा, बी आ जाएगा इसमें। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? श्रावण मास में नहीं आता है, कौन सा त्योहार है वो जो श्रावण मास में नहीं आता है? बताओ देखिए आप एक बार, कौन सा मास उपछठ नहीं आती है? उपछठ, उपछठ क्या होती है? उपछठ क्या होती है? उपछठ होती है कि महिलाएं ये व्रत करती हैं और पूरे दिन बैठती नहीं है, पूरे दिन खड़ी रहती है, पूरे दिन खड़ी रहती है। बहुत से टीचर हैं यार, पूरे दिन अपन तो मैराथन लेते हैं तो खड़े रहते हैं, 12 घंटे की मैराथन नहीं है एक दिन अपन। निम्न में से सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है? इंडोनी नृत्य कालबेलिया, वाला नृत्य भील, तेरह ताली नृत्य कामर जाती, चरी नृत्य गुजर जाती, तो इसके अंदर सुमेलित कौन सा नहीं है 16 के अंदर? देखो आप एक बार देखें, बी 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 है वो वाला नृत्य है, वो बिलोगा नहीं है, वाला नृत्य बिलोगा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? बी सुमेलित नहीं है, इसमें बी आ जाएगा। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? लोक नाट्य की अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग ख्याल है, ख्याल क्या होता है? एक तरह से नाटक होता है, उसके अंदर अलग अलग रूप धारण किए जाते हैं और नाटक किया जाता है मंचों के ऊपर, ये अलवर का फेमस है, अलवर का, सी आ जाएगा 17 में। और सुमेलित कीजिए वाद्य यंत्र और जाति, सारंगी, भोपा, पोंगी, मांगणियार, कमाईचा, लंगा, रावणता, कालबेलिया, ये क्वेश्चन 18 नंबर का था क्या? सारंगी भोपा, इसमें सी आ जाएगा, इसमें 18 नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सी। सी में क्या दे रखा है? सी में दे रखा है सारंगी, सारंगी 1 2 3, इसमें सी आ जाएगा, सी सुमेलित कर लेना, इसमें आप देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया था, इस चीज को ध्यान रखना, 18 के बाद डायरेक्ट 20 आया है, 19 नंबर का क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया था, वो चीज ध्यान दे लेना आप। हवा महल से संबंधित निम्न कथनों में सत्य कथन चुनिए। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान 5 मंजिल इमारत है ये, सन 1979 में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया था, इसका वास्तुकार लालचंद उस्ता थे और सभी कथन सत्य है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सभी कथन सत्य है, इसमें सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। इसी के साथ आज के पेपर का आपका पूरा डिस्कशन होता है कंप्लीट, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, 19 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हुआ है और एक क्वेश्चन के अंदर छोटी सी थी प्रॉब्लम, बाकी क्वेश्चन पेपर एकदम शानदार था, बढ़िया तरीके से, किसी ने नहीं दिया तो अब दे लेना। गुस्सा दिखा दो सर, मैराथन ले लो ज्योग्राफी की, ठीक है। अंकित सर की भी दिलवा देंगे और मैराथन आपकी पॉलिटी वाली है, वो कल मेरी सही हो जाती है तबीयत एकदम से तो कल ले लूंगा, और कल नहीं हुई तो परसों, तो तबीयत सही होनी है, कहाँ जाएगी तबीयत, परसों लेते हैं अपन मैराथन, परसों मैराथन लेते हैं, परसों आपको मैराथन दिलवा देंगे, परसों आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, कल की तो मैं कहता नहीं, कोशिश तो कल की जा रही है सर, कल करवा दो पॉलिटी की 10 ओवर की, करवा देंगे अरे बीएल पटेल करवा देंगे, आपसे मेरी ज्यादा जल्दी है। अब इसका रिजल्ट कब जारी होगा उसका और बता देता हूँ मैं, रिजल्ट कब आखिर रिजल्ट कब? आखिर रिजल्ट कब? कब होगा रिजल्ट? आज है 25 तारीख, 27 तारीख को शाम को, 27 तारीख को शाम को आपका रैंक वाइज आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ये मैं आपको कमिटमेंट करके जाता हूं, मैंने आधी कॉपियां तो चेक कर दी आपकी, जब से पेपर हुआ तब से लगाऊ, अब की बार तो पूरा ऐसे है कि यार रिजल्ट जितना जल्दी, कोशिश तो कल की है और कल नहीं हुआ ना तो परसों तो पक्का ही जारी कर देंगे।
देख लीजिए एक बार रिजल्ट से पहले, क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अपन कल। ठीक है, सभी को गुड नाइट, बढ़िया से, ऑल द बेस्ट। एक सेकंड।